नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। और इसी साथ बहुत दुखद के साथ कहना पड़ रहा है कि रोहित शर्मा का विकेट चला गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण भारतीय कप्तान का विकेट चला गया है, जिसके हिसाब से बहुत बड़ा नुकसान देखने को मिल सकता है भारत को। तो तनुज क्या सोच रहे हैं आप, कैसा चल रहा है? देखिए दिल से टूट गया मेरा तो सारे विश्वास, अभी वो उम्मीद कर रहा था कि विराट कोहली और रोहित शर्मा उस शतक तो लगाएंगे, लेकिन रोहित शर्मा का ऐसा विकेट गिर जाना ये तो चीज काफी मतलब सोचने वाली है एकदम, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के सामने अगर इस तरह से पारी अगर खेलेंगे तो फिर कैसे जीतेंगे, वो सवाल यहाँ खड़ा होता है ना जी। नहीं मेरे हिसाब से देखा जाए तो कप्तान बहुत ही अच्छे हैं रोहित शर्मा, जिस हिसाब से वो रन बना के गए हैं, वो स्ट्राइक रेट बहुत ही अच्छा करके गए हैं, तो दबाव तो बना ही दिया। लेकिन अगर शुभमन गिल का विकेट ना जाता और तब वो जाते रोहित शर्मा तो ज्यादा बेटर, तो शुभमन गिल के जाने के बाद रोहित शर्मा से उम्मीदें लगाई जा रही थी कि वो आंकड़ा पार करेंगे, अर्धशतक तो मारेंगे ही मारेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन फिर भी उम्मीदें हैं कि अभी विराट कोहली और श्रेयस अय्यर हैं जिन्होंने पिछले मैच में दोनों ने शतक मारा था, तो देखना होगा कि वो कैसे होता है। देखिए बिल्कुल आपकी बात सही है, उम्मीदें तो देखिए लगानी ही पड़ेंगे, ऐसा नहीं कि उम्मीदें छोड़ देंगे। विराट कोहली अभी और भी प्लेयर है और बॉलिंग भी काफी अच्छी है, ऐसा नहीं कि हमारे पास बॉलिंग थोड़ा सा कम का भी स्कोर अगर जाता है तो बॉलिंग मुझे लगता है जैसे मोहम्मद शमी और भी जितने बॉलर है इस तरह से चल रहे हैं तो उसका हैंडल कर सकते हैं। उससे पहले बैट्समैन भी आए हैं तो श्रेयस अय्यर ने भी पिछले मुकाबले में काफी अच्छा प्रदर्शन किया था, जैसे लंबे लंबे उन्होंने सिक्सर्स मारे थे वो तो लाजवाब था। रोहित शर्मा का कोई बात नहीं, अगर विकेट चला गया कप्तान है, क्या पता उनकी रणनीति उनका कोई प्लान भी हो उस चीज को लेकर। अगर प्रेशर बनाने की बात करें तो प्रेशर जब ऑस्ट्रेलिया ने और रोहित शर्मा का विकेट लिया, वैसे ही श्रेयस अय्यर आए, श्रेयस अय्यर ने दो गेंद खेली और एक चौका मार दिया, तो प्रेशर बनाने में कोई कमी नहीं है। जो पूरा मैच होने वाला है वो प्रेशर के बेसिस पर चलने वाला है, क्योंकि आप ऐसा मैच खेल रहे हैं जिसकी पूरा का पूरा दुनिया निगाहें टिका के बैठा हुआ है, तो वही देख रहे हैं कि जिस तरह गेम चल रहा है, जैसे कि हम बता दें आपको कि अगर प्रेशर जिस तरफ होता है उस तरफ ज्यादा देखने को मिलता है कि प्लेयर्स का परफॉर्मेंस पे असर पड़ता है। तो हम देख रहे हैं कि रोहित शर्मा का जब विकेट गया तो भारतीय टीम पर प्रेशर था, श्रेयस अय्यर ने आके थोड़ा प्रेशर थोड़ा लूज करने की कोशिश करी, थोड़ा कम करने की कोशिश करी, तो एक चौका मारा है। ऐसे ही अगर रोहित शर्मा और विराट कोहली अटैकिंग एक वैसे चलते हैं तो बहुत जी आपकी बात बिल्कुल सही है, उससे अगर देखिए किसी तरह से थोड़ा सा विराट कोहली और आएंगे श्रेयस अय्यर भी आएंगे उसके बाद तो वो सही चलेगा, ऐसा नहीं कि बेकार प्रदर्शन रहेगा, दोनों अच्छे बैटर हैं दोनों, मुझे लगता है हैंडल कर सकते हैं, बिल्कुल हैंडल कर सकते हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ दोनों ने शतक मारा था, दोनों का 250 से ज्यादा पार्टनरशिप गई थी, तो उम्मीदें तो ये लगाई जा रही है अगर रोहित शर्मा और गिल चले गए, दोनों ओपनर चले गए, उसके बाद भी हमारे साथ दिग्गज बल्लेबाज कहेंगे बात करें विराट कोहली की और श्रेयस अय्यर की, जिनको मौका मिला था पांड्या के बाद और मौका मिलते ही उन्होंने अपना मौका दिखाया कि पूरी तरह वो काबिल है इंडियन टीम में खेलने के लिए। जी बिल्कुल आपकी बात सही है। और श्रेयस अय्यर और विराट कोहली के पार्टनरशिप की बात करें तो इनका साथ का जो प्रदर्शन है वो हमने पिछले मैच में देखा है। एक मैं अपडेट दे दूं देते हुए बड़ा दुख हो रहा है मुझे, सीरियसली बताऊं तो, क्योंकि श्रेयस अय्यर भी आउट हो गए हैं, झटके दिए जा रहे हैं मुझे बैठे बैठे, मैं क्या कर रहे हैं, भारतीय टीम ने बहुत निराश करा इस बार, क्योंकि अभी बात करें स्कोर की तो 81-3 स्कोर हो गया है, जो कि बहुत ही बुरा है भारत के लिए। देखिए कमबैक करती है लेकिन अब तीनों विराट कोहली से ही लगाई जा रही है, विराट कोहली से, और अभी बात करें तो ईशान किशन भी हैं, ईशान किशन भी आएंगे तो उनसे उम्मीद करिए, ईशान किशन भी अच्छा करते हैं, ऐसा नहीं है अच्छी बैटिंग करते हैं वो भी, उनसे पूरी उम्मीद है। लेकिन प्रेशर बनाने की बात करें तो भारतीय टीम बहुत ही ज्यादा प्रेशर में होगी, जिसकी वजह से प्रेशर में होते हुए आदमी गलतियां भी करता है, तो ये भी देखना होगा। लेकिन प्रेशर में भारतीय टीम है तो प्रेशर में तो फिर ऑस्ट्रेलिया भी है, क्या यहाँ पर ये नहीं कहा जा सकता है कि जिस तरीके से भारतीय टीम ने पिछले 10 मैच जीते हैं तो क्या यहाँ पर ओवर कॉन्फिडेंस था जो एकदम से आते आते ऑस्ट्रेलिया ने तीन विकेट झटक लिए। मैं बताऊंगा उर्वशी आपको, वहाँ की पिच थोड़ी ऐसी है क्योंकि जो स्पिनर्स और स्विंग वहाँ पर हो रही है तो जिसकी वजह से बॉलर्स को ज़्यादा फायदा है, जिसकी वजह से देखने को मिल रहा है कि हमने तीन विकेट गंवा दिए हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये अपडेट बहुत ही ज़्यादा दुखद हो सकती है हमारे लिए, क्योंकि भारतीय टीम से हमने उम्मीदें यही कर रखी हैं कि उनका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा होगा इस बार, बहुत ही लंबे रनों से, लेकिन ये हमने सोचा था कि बहुत ही लंबे रनों से 300 पार या कुछ भी, तो अब तो देखिए 300 के पार जाना बहुत ही मुश्किल है, जिस तरह विकेट गिर रही है, जिस तरह पिच की हालात है, उस हिसाब से देखने को मिल रहा है कि सेम चीज़ अगर भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ नहीं करी तो मैच ऑस्ट्रेलिया के पड़ेगा। देखिए अब विराट कोहली का चलना शतक बना ना
बहुत जरूरी है, मैंने पहले ही बोला था कि बनाना ही पड़ेगा। विराट का चलना, उसके बाद जब टीम इंडिया बॉलिंग करने आएगी तो उस समय गेंदबाजों का और फील्डिंग का जो जो टीम का जो मैनेजमेंट रहेगा, मुझे लगता है वो ज़्यादा ज़रूरी है टीम इंडिया के लिए इस मैच को जीतने के लिए, क्योंकि वहाँ का हर दर्शक, वहाँ के जितने भी ऑडियंस वहाँ बैठी है, हर किसी की उम्मीद जो है वो टीम इंडिया से लगी हुई है। लगातार 3 विकेट के बाद वहाँ का माहौल देखने लायक है, क्योंकि वहाँ पर हर कोई निराश बैठा हुआ है। पीएम मोदी वहाँ पहुँचे हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री हैं वहाँ पर पहुँचे हुए हैं, वो ये चीज़ देखकर कहीं ना कहीं उनको भी ये लग रहा होगा कि भारतीय टीम का प्रदर्शन जो है वो कहीं ना कहीं डगमगा रहा है। इस वजह से भारतीय जो टीम के जो बाकी प्लेयर्स हैं उनका भी कहीं ना कहीं मनोबल कहीं ना कहीं डगमगा रहा होगा, क्योंकि मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि अभी केएल राहुल क्रीज पर है और साथ में विराट कोहली, तो ये दोनों जो ओपनर्स हैं वो साथ में बहुत ही ज्यादा क्रिकेट खेल रखा है इन्होंने, साथ में आरसीबी, उम्मीद जग रही है कुछ। हाँ, आरसीबी के लिए साथ में ओपनिंग करते थे और उसके साथ बल्लेबाजी, तो उम्मीदें लगाई जा सकती हैं। अभी भी ऐसा नहीं है कि भारतीय टीम के दर्शक थे, दर्शक होके वो उम्मीदें लगाना ना सीखे तो क्या ही कहने। भारतीय दर्शक हमेशा उम्मीदों पे ही टिके रहते हैं और हमारी उम्मीद अभी भी ये है कि भारतीय टीम कमबैक करेगी, दोनों अच्छी पार्टनरशिप करेंगे, 100-150 के बाहर जाएगा, प्रेशर लूज करेंगे, ऑस्ट्रेलिया को बड़े बड़े शॉट दिखाएंगे और उसके बाद ये वर्ल्ड कप हमारे नाम होगा। देखिए, वर्ल्ड कप तो नाम करना ज़रूरी है अभी क्योंकि दो ट्रॉफी हमारे नाम है ऑलरेडी वर्ल्ड कप की और तीसरी हमारे पाले में आ जाएगी, तो इससे खुशी की बात है। क्या ही जो होगी? तीसरी ट्रॉफी है उसको लेने के लिए सिर्फ हम एक कदम दूर हैं। एक कदम दूर है, अभी तक एक मैच हारी भी नहीं है और ऐसे में आकर, क्योंकि इस तरह का जो प्रदर्शन है सुहास देखने को देखो मिला नहीं है, ऐसे विकेट गिर जाना, 3 विकेट देखे जा चुके हैं अब तक रोहित शर्मा का। पिछली बार भी जब मैच हुआ था तो 5 पे 3 विकेट चला गया था, मैं बता दूं आपको, उसके बाद ही पार्टनरशिप देखने को मिली थी हमें। अब जरूरत है वो पार्टनरशिप की, अब दिखानी ही पड़ेगी पार्टनरशिप देखेगी। उर्वशी, जिस तरह आप पूरे दिन आप रहती हैं सोशल मीडिया पर एक्टिव, तो आप देख रहे होंगे कि कैसे किस तरह फैन बेस कितना स्ट्रांग है इंडिया का, जिस तरह हम चीज़ें देख रहे हैं वहाँ पर अहमदाबाद में जहाँ पर मैच हो रहा है, वहाँ पर स्टेडियम खचाखच भरा पड़ा है, लाखों लोग वहाँ पर आए हैं, तो उसके बारे में कुछ बताएंगे आप? जैसे कि आपको पता है कि ये जो मैच है वो अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हो रहा है। बता दें कि यहाँ पर जो ऑडियंस है वो 1,30,000 ऑडियंस के यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं, लेकिन जो विजुअल्स जो दृश्य सामने आ रहे हैं उसमें कहीं से कहीं तक नहीं लग रहा है कि इसका आंकड़ा 130 होगा, बल्कि इससे पार ही होगा, क्योंकि वहाँ पर जितनी तादाद लोगों की आई हुई है, जाहिर है वहाँ पर जो स्टेडियम है पूरा खचाखच भरा होगा। तो कहीं ना कहीं जो टीम इंडिया है उसके पीछे बहुत लोग हैं, उसके पीछे सपोर्ट करने वाले बहुत सारे लोग हैं, और जब ऐसा प्रेशर बन जाता है तो भारतीय खिलाड़ी और भारतीय के विराट खिलाड़ी विराट कोहली जो है वो कहीं ना कहीं अपना असली रंग दिखाते हैं। मुझे धीरे धीरे करके मुझे फॉर्म में आके जो बल्ले से वो जो खड़े खड़े जो रन बनाते हैं वो ज़रूर यहाँ पर उनको इस तरीके से प्रदर्शन करना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो है भारतीय टीम को इसकी बेहद ज़रूरत है। 3 विकेट चले गए हैं और अभी उनके जो उनके साथ जो खिलाड़ी हैं केएल राहुल, उनका भी प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है, उनके साथ की पार्टनरशिप उनकी बहुत अच्छी है, तो जाहिर है कि दोनों अगर मिलकर इस बार में रन बनाए और दोबारा से टीम इंडिया के जो रन है और जो बैटिंग है बैटिंग फॉर्म है उसको पटरी पर लेकर आना चाहें तो ज़रूर टीम इंडिया ज़रूर कमबैक करेगी। हम बात करते हैं थोड़ा जिस हिसाब से सपोर्ट मिल रहा है, सपोर्ट दिख रहा है प्लेयर्स को, तो जहाँ पर हम देख रहे हैं कि मोहम्मद सिराज जो एशिया कप में फाइनल में स्टार बन के उभरे थे, वो उन्हीं की बात करें तो वर्ल्ड कप में जिनका परफॉर्मेंस रहा है वो बहुत ही एवरेज परफॉर्मेंस रहा है। उनकी माता ने बोला, उनकी अम्मी ने बोला कि जो हम दुआ करेंगे कि वो इस बार लेके आए वर्ल्ड कप, और वही बात करें ईशान किशन की मम्मी की, तो आज छठ पर्व है, इतना खुशी का माहौल है बिहार उत्तर प्रदेश जितने भी लोग छठ पूजा बनाते हैं उनमें बहुत ही उमंग है, और उसी के बीच उमंग के साथ साथ ये भी आशा है भरी हुई है कि वर्ल्ड कप इस बार भारत के नाम आ रहा है। और ईशान किशन की माता श्री ने कहा है कि हम छठी मैया से यही दुआ करेंगे कि आपको एक बात और बता दूं, सोशल मीडिया में जिस तरह से हम एक्टिव रहते हैं और मैंने भी जैसे काफी सारे रील्स देखे थे, तो उसमें लोगों ने जो छठ करते हैं और जो इसका व्रत करते हैं उन लोगों ने अपील करी है लोगों से कि इसमें जो आखिरी दिन एक नारियल का इसमें यूज किया जाता है वो प्रार्थना के रूप में, तो लोगों ने कहा कि इस बार एक एक्स्ट्रा नारियल और
प्रार्थना के रूप में उसका इस्तेमाल करें, क्योंकि भाई वर्ल्ड कप 2023 चल रहा है और भारत भाई फाइनल में है और ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के सामने है, तो इस चीज की भगवान से प्रार्थना करने की बहुत जरूरत है। और ऐसा नहीं है कि छठी मैया से ही प्रार्थना करी गई है, बनारस ले लो, अयोध्या ले लो, आप कहीं भी उठा लो, हर जगह जमकर भगवान से प्रार्थना और मस्जिदों में दुआएं चल रही है, हवन पूजन चल रहा है। ईशान किशन की बात की तो बता दें कि ईशान किशन के फादर ने जब मीडिया से बातचीत की तो उन्होंने साफ तौर पे ये कहा था कि जब टीम इंडिया के प्लेइंग 11 अभी डिसाइड जब नहीं हुए थे तब उन्होंने बोला था कि भले ही ईशान किशन जो है प्लेइंग 11 में उनको मौका ना मिले, लेकिन भारतीय टीम का जीतना जरूरी है, भारत के लिए जीत जरूरी है, भारत के लिए वर्ल्ड कप जरूरी है, ये जरूरी नहीं है कि मेरा बेटा उसमें खेलता है या नहीं खेलता है। तो इससे क्या आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर किसी भी प्लेयर के माँ बाप ये नहीं सोच रहे हैं कि मेरे बेटे को या मेरे जो यहाँ का हमारा जो बच्चा है उसको खेलने के लिए मौका मिले, हर किसी को सिर्फ भारतीय टीम के। जी बिल्कुल उर्वशी, आपकी बात बिल्कुल सही है यहाँ पर, क्योंकि वो सब भारतीय हैं, उनके बच्चे वहां पर खेल रहे हैं, ये उनके लिए सौभाग्य की बात है और उनके बच्चों ने उनको ये दिन दिखाया, इतना अच्छा दिन दिखाया कि वो आज भारत में क्या पूरे विश्व में बोलूंगा सबके जुबान पर उनका नाम चढ़ा हुआ है, जितने भी खिलाड़ी हैं सबको सबको मतलब सबकी तारीफ हो रही है और मतलब सब मिलने तक के लिए उनसे तरसते हैं लोग, तो ये दिन अच्छे दिन उनके बच्चों ने उनको दिखाए वो बात अलग है, लेकिन वो एक भारतीय है, ट्रॉफी भारत में ही आनी चाहिए, वो यही सोचेंगे चाहे उनके बच्चे वर्ल्ड कप 2023 का हिस्सा बने या ना बने, लेकिन ट्रॉफी तो देखिए भारत में ही आनी चाहिए। हम लोगों में उमंग और उत्साह की बात करें तो बहुत सारे लोग जिन्होंने वर्ल्ड कप को लेकर बहुत सारी आशाएं लगा रखी हैं, तो उसी में से कुछ लोग हैं जिनकी आशाएं थोड़ी यूनिक भी हैं, तो बहुत अनोखी भी दिखाई दे रही है। एक चंडीगढ़ के ऑटो ड्राइवर हैं जिन्होंने अपने ऑटो के पीछे एक पोस्टर लगा लिया है कि अगर इंडिया वर्ल्ड कप जीतती है तो अगले 5 दिन तक वो सबको सवारी फ्री करेंगे, सारे जो देखिए ये दिल देखिए उनका कितना बड़ा, उन्होंने दिल और ये जो बड़ा दिल और ये दरिया दिल जो होता है ना वो सिर्फ भारतीयों का ही होता है। तो इसी के साथ साथ हम बता रहे हैं आपको इतनी बहुत सारी चीज़ें, तो अगर आपको वीडियो और लाइक अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और हम सामने स्क्रीन पर आपके कमेंट्स भी देख रहे हैं तो आप कमेंट्स भी करिए और अगर आपको कोई भी सवाल हो या वो भी जरूर लिखियों के जवाब भी देंगे आपको जो भी है उनका। लाइक के साथ साथ हम ये सब भी करेंगे और हम आपको ये भी बता दें कि जिस तरह लोगों में उत्साह दिखा गया, एक जगह और उत्साह दिखा गया है कि जहाँ पर जिन्होंने एक रेप्लिका बनाया था वर्ल्ड कप के छोटी तिरंगा जो है वो फहराया जाएगा इंडिया के जीतने पर। और देखिए ये उत्साह, ये चीज देखने को मिलती है जो क्रिकेट के साथ जो इमोशंस जुड़े हुए हैं भारतीय लोगों के, जो हमारे जो फीलिंग्स अटैच हैं क्रिकेट से वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। और वही बात करें हम तनुज उस चीज़ों की, तो वहाँ पर एक और मैं आपको एक बहुत बढ़िया चीज़ बताता हूँ, एक होटल में और एक रेस्टोरेंट में कोई है जिन्होंने अनाउंसमेंट कर रखी है वर्ल्ड कप स्टार्ट होने के पहले से, उन्होंने ये अनाउंसमेंट कर रखी है जिस दिन इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगा उस दिन वर्ल्ड कप के फाइनल वाले दिन वो फ्री खाना खिलाएंगे सबको पूरे दिन। देखिए ये चीज़ें हमें सुनने में इतनी अच्छी लग रही है, तो जिनके लिए ये चीज़ हो रही है, जिन खिलाड़ियों के लिए ये चीज़ हो रही है, तो वो इन चीज़ों से कितना मोटिवेट होते हो, मोटिवेट भी है और ये गर्व की बात है, कहने में गर्व की भी बात है और मेन चीज़ ये भी है कि जब वर्ल्ड कि ऑस्ट्रेलिया टीम जाहिर तौर पे ये सब कुछ अगर ये सब चीज़ें देख ही रही होगी और वो ये समझ रही होगी कि भारत में जब वर्ल्ड कप क्रिकेट इंडिया का होता है तो फिर वो सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट नहीं रह जाता, उसमें हर किसी की भावना जुड़ जाती है, हर किसी के इमोशंस जुड़ जाते हैं, चाहे फिर वो ऑडियंस हो, चाहे वो घर घर के हर एक इंसान हो, चाहे वो आप आज किसी छोटे बच्चे से भी पूछ लीजिएगा तो वो चक दे इंडिया कहता हुआ आपको नज़र आएगा, क्योंकि यही है असली इंडिया, यही है असली इंडिया की हर भावना। तो आप क्या कहना चाहेंगे तनुज जी, आपने क्या देखा लोगों से, लोगों में क्या एक्साइटमेंट आपको देखा? देखिए लोगों में एक्साइटमेंट बस कुछ नहीं, उनमें वर्ल्ड कप की ट्रॉफी की एक्साइटमेंट है। और हम आपको बता दें हमारे ऑफिस में भी जब से मैच शुरू हुआ है हर कोई कुर्सी पे बैठ के सिर्फ करंट रेट जो था, करंट रन रेट
वो बहुत ही नीचे आया है, पहले 7 के पार था, अब 6 तक आ गया है। तो देखने को मिल रहा है कि फील्ड पर ऑस्ट्रेलियाई टीम कंगारू जो है थोड़ा भारी पड़ते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कोई नहीं, ये प्रेशर भी लूज होगा। आप हमारे साथ बने रहिए और आपको वीडियो पसंद आ रही है लाइक करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा इन खबर को, ऐसी चीजें। तो उर्वशी, जिस तरह माहौल देखने को मिल रहा है बाहर, इतना उत्साह देखने को मिल रहा है लोगों को, तो आप इस उत्साह से कैसे कनेक्ट कर पा रही हैं? क्योंकि आपके भी कहीं ना कहीं इमोशन जुड़े होते हैं क्रिकेट से। क्रिकेट एक स्पोर्ट्स नहीं बन के रह जाता है, अगर भारत में आता है तो एक इमोशन बन जाता है, ऐसे कहा जाता है। वही चीज मैंने आपको बताई अभी कि हमारे ऑफिस में भी अभी ये माहौल है कि टीवी ऑन है, क्रिकेट का मैच वहाँ पर चल रहा है और हर कोई जो है वो कुर्सी मोड़ कर बैठा हुआ है, टीवी पर अपने नजरें टिका के बैठा हुआ। मैंने भी अपना 2 बजे तक काम खत्म करके टीवी देख रही थी, अब मैं आपके सामने हूँ, अपडेट्स दे रही हूँ। तो आप बताइए आपकी क्या भावना है क्रिकेट को लेकर, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा क्या सोच रहे हैं, किस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं, और अगर आपने इस टीम को सपोर्ट करने के लिए कुछ स्पेशल किया है तो वो भी हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए। और जिसने पूजा पाठ किया है घर में, हवन वगैरह भी कराया है, तो आज सारे घर में मेरे हिसाब से सबके घर में पूजा हुए है, पूजा सब कुछ पूजा हुई होंगी कि भारतीय टीम जीते, और यही आशा इन सबने लगा रखी होगी। जी, सबकी आशा यही है, हमारी भी आशा ये है। लेकिन टीम इंडिया का भी जो प्रदर्शन है वो कहीं ना कहीं हमारी आशाओं पे थोड़ा सा भारी पड़ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, टीम इंडिया कमबैक करेगी और टीम इंडिया के खिलाड़ी कभी भी अपने ऑडियंस को निराश नहीं करते हैं। जिस बात का जो गवाह है वो इतिहास है, हमेशा विराट कोहली जैसे प्लेयर्स ने अपनी टीम को प्रेशर से निकाला है, अपनी टीम को हमेशा सपोर्ट किया है, कहीं पर भी उनको इस तरीके से हारने नहीं दिया है। हारने की बात करें तो हारना जीना जो है वो किसी भी इंडिविजुअल के हाथ में नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, टीम इंडिया बेहतरीन खिलाड़ी बेहतरीन प्लेयर्स की टीम है, जिसमें कई अच्छे धुरंधर खिलाड़ी बैट्समैन कई अच्छे बॉलर्स जो है वो मिलकर टीम का सपोर्ट करते हैं, टीम को खिलाते हैं। तो तनुज जी आप बताइए कि जो इसके बाद जब ये इंडिया की जब बैटिंग खत्म हो जाएगी तो क्या जिस तरीके से अभी प्रेशर बना हुआ है भारतीय खिलाड़ी के ऊपर, क्या दोबारा से भारतीय खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के ऊपर बना? बिल्कुल, देखिए करेंगे, अभी हम उनसे उम्मीद नहीं छोड़ेंगे जब तक मैच ये खत्म नहीं हो जाता ना आज वर्ल्ड कप, तब तक उम्मीद नहीं छोड़ी जाती, आखिरी मौके तक जंग लड़नी ही पड़ेगी। और ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के सामने देखिए थोड़ी थोड़ी चीजें तो सामने आएंगी ना, अब सुबह से सारी चीजें अच्छी चलती आ रही है, जरूरी नहीं है कि वर्ल्ड कप के फाइनल में कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट भी आना जरूरी होता है, तो वो एक थोड़ा सा वो ट्विस्ट कहीं ना कहीं आ गया है, बस ये कह सकते हैं। 3 विकेट जैसे जा चुके और रन रेट भी देखिए कम हुआ है। तो देखिए टीम इंडिया और बनाम ऑस्ट्रेलिया के लेकर मैच से जुड़े हर तमाम अपडेट्स के साथ हम आपके सामने मौजूद हैं, और इसी तरीके से क्रिकेट से जुड़े हर अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहिए इन खबर के साथ। धन्यवाद।